जय राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सच्ची कहानी श्रृंखला में। प्यारे भाई बहनों, कोई भी महान व्यक्तित्व तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उस पर ईश्वरीय कृपा ना हो, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। इसके अनेकों उदाहरण उपस्थित हैं, मौजूद हैं, जिनके बारे में अभी आपको बताऊंगा, जो जिन्होंने स्वयं इस बात को एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था कि उस समय पर वह जो भी कुछ थे वह सब ईश्वरी कृपा की अनुभूति थी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वरी कृपा उनके ऊपर थी। प्रिय दर्शकों, मैं अपने पिता प्रभु श्री कृष्ण जी के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए उनसे यह विनती करना चाहूँगा, यह संकल्प लेना चाहूँगा कि यदि इस वीडियो के माध्यम से कोई आध्यात्मिक पुण्य फल प्राप्त हो तो उसे प्यारे दर्शकों के दुखों को दूर करने में प्रयोग किया जाए। प्यारे भाई बहनों, महात्मा गांधी जी का कहना था कि मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं आता जब मैंने ईश्वर को सच्चे मन से पुकारा हो और उन्होंने न सुना हो। महाभारत में भी इसी तरह का एक दृष्टांत है। महाभारत ग्रंथ में धृतराष्ट्र की सभा में उनके पुत्र दुशासन द्वारा द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के प्रयास का प्रसंग है। द्रौपदी पहले अपने पतियों की ओर, फिर पितामह और अन्य गुरुजनों की ओर आशा भरी दृष्टि से देखा, पर जब किसी ने भी उनकी लाज बचाने हेतु कोई उपक्रम नहीं किया तब उन्होंने असमर्थ होकर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को आर्तभाव से पुकारा तो भगवान उनका चीर अंतहीन बढ़ाते ही गए। दुशासन थक कर बैठ गया और द्रौपदी को भगवान ने निर्वस्त्र होने से बचाकर उनकी लाज रखी। इन दृष्टांतों से प्रश्न यह उठता है कि क्या ईश्वर पुकारने से ही सुनते हैं या फिर बिना पुकारे भी हमारी सहायता करते हैं, बिना किसी कार्य के भी कृपा कर सकते हैं। वैसे तो वह अतिशय दयालु हैं, सभी लोग यह कहते हैं। स्वामी कृष्ण नंद जी ने एक अवसर पर कहा था, ही प्रोटेक्ट्स अस ऑल द टाइम, वी मस्ट लर्न टू सी हिज ग्रेस इन एवरी इवेंट। वह निरंतर हमारी रक्षा करते रहते हैं, हमें हर घटना में उनकी कृपालुता का दर्शन करना सीखना चाहिए। खैर, यह उनका स्वयं का अनुभव था। एक और दृष्टांत आता है। हिरण्यकश्यपु ने जब अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंकवाया, आग में जलाने का प्रयास किया, तब प्रहलाद ने भगवान को पुकारा नहीं, बस उनके ध्यान में मग्न रहे। प्रभु ने अपने आप ही अपने भक्त, अपने शरणागत की रक्षा की। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक प्रसंग है। पटना में नेशनल साइंस कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। स्वामी जी के प्रेमियों ने उन्हें भी आमंत्रित किया, फिर कहा गया कि वह अधिवेशन को संबोधित करेंगे। जब वह मंच पर पहुंचे तो अधिवेशन में भाग लेने वालों में से किसी ने कहा कि आप परमाणु विज्ञान पर कुछ बताइए। प्रश्नकर्ता ने चाहे जिस भी भाव से पूछा हो, परंतु स्वामी जी आधा घंटा तक विशेषज्ञों की भांति परमाणु विज्ञान पर बोलते चले गए। जब वह चलने लगे तो किसी भक्त ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आप तो कक्षा 4 या 5 तक पढ़े थे, आपने यह सब कैसे बोला। इस पर उन्होंने कहा कि जिसने साइंस बनाई है उसी ने मुझे बता दिया। परमहंस योगानंद जी के जीवन का भी एक ऐसा ही अनुभव है। जब वह जहाज से विदेश जा रहे थे तो रास्ते में उनसे सह यात्रियों को संबोधित करने को कहा गया, परंतु वह एक शब्द नहीं बोल सके। अपने केबिन में जाकर अपने गुरु को याद करके खूब रोए। अगले दिन वह 5 मिनट के बजाय 45 मिनट तक सुंदर अंग्रेजी भाषा में बोलते रहे और श्रोता शांत होकर सुनते रहे।
यदि रोने को पुकार माना जाए तो दूसरी बात होगी, अन्यथा उनके गुरु ने सदगुरु ईश्वर का ही रूप तो होता है या प्रभु ने स्वयं अपने बालक की लाज रखने के लिए उनके मुख से बोला। ऐसा ही अनुभव एक अन्य व्यक्ति का है। किशोरावस्था में इंटर साइंस का छात्र था, पढ़ाई ठीक से न करने के कारण क्लास में पिछड़ गया। अब जब पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, क्लास में वह पिछड़ गया। एक दिन ट्रिग्नोमेट्री के क्लास में बोर्ड पर एक प्रश्न हल करने को कहा गया। उसकी और उसके बाद कुछ और छात्र जिनसे कहा गया कि असफलता पर टीचर बहुत रुष्ट हुए और चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह में क्लास में अप टू डेट नहीं आए तो मैथमेटिक्स छोड़कर आर्ट्स का विषय ज्वाइन करना पड़ेगा। वह किशोर बहुत परेशान और भयभीत हो गया कि घर पर उसकी बड़ी भद्द हो जाएगी। मैथमेटिक्स के एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आदि अनेक उप विषय थे। उन सब में एक सप्ताह में अप टू डेट आना असंभव ही था। कुछ ही दिनों पश्चात टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक प्रश्न लिख दिया और बारी बारी उन सब से अलग अलग स्टेप पूछने लगे। जिनको चेतावनी दी थी उस किशोर ने इस आशंका से नहीं, इस आशंका से कि कहीं उससे न पूछ दिया जाए, डेस्क में मुंह छिपाने का प्रयास किया। तब तक उसे अपना नाम सुनाई पड़ा। वह यत्रवत खड़ा हुआ और अगला स्टेप बोल दिया जो बिल्कुल सही था। क्लास के अंत में सबसे तेज लड़कों ने पूछा कि तुमने कैसे बता दिया, यह तो हमें भी नहीं मालूम था। उसने कहा कि उसे भी नहीं मालूम कि उसने कैसे बता दिया। प्यारे भाई बहनों, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपनी बुद्धि को ठहरा हुआ मान लेते हैं, अर्थात बुद्धि से कुछ भी सोचना बंद कर देते हैं, दिमाग को चलाना बंद कर देते हैं, तब हमारी बुद्धि में जो ज्ञान प्रकट होता है वह ईश्वरीय ज्ञान की वजह से होता है, तत्व के ज्ञान की वजह से होता है। तब साक्षात ईश्वर ही हमारी उस बुद्धि से प्रकट होकर बोलते हैं, हमारे मुख से वह ही प्रश्नों के उत्तरों को देते हैं। अर्थात ठहरी हुई बुद्धि में हम उन चैतन्य प्रभु से सीधे जुड़ जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, प्रसंग यही है कि जब हम स्वयं को पूर्ण रूप से प्रभु पर छोड़ देते हैं या पूर्ण रूप से स्वयं को भुला देते हैं, तब प्रभु ही हमारी देखरेख करते हैं, हमारे बुद्धि का विकास करते हैं और ज्ञान का प्राकट्य करते हैं, क्योंकि वह ही हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, केयर टेकर हैं, देखभाल करने वाले हैं। जय राधे कृष्ण दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।